रोलिंग कॉटन कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होती है दो टाइप की होती है, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग। फिर रोलर बियरिंग कितने टाइप की होती है? चार टाइप की, सिलिंड्रिकल बियरिंग, स्फेरिकल बियरिंग, टेपर्ड बियरिंग, निडल बियरिंग। और बॉल बियरिंग कितने टाइप की होगी? डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, सेल्फ लाइनिंग बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग। और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को हम लोग बोलते थे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। और वाई रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग इज नोन एज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग? क्योंकि जो फ्रिक्शन होता, जो फ्रिक्शन अकर करता था बियरिंग के बीच में और शाफ्ट के बीच में, जो रोटेटिंग एलिमेंट है, और ये रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में केवल पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है? मिनिमम होता है। तो फ्रिक्शन मिनिमम होगा तो पावर लॉस कम होगा, तो इसलिए इस बियरिंग को एंटी फ्रिक्शन बियरिंग ही बोला जाता है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को। और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के में जो रोटेटिंग एलिमेंट शाफ्ट है और बियरिंग है उनके बीच में सरफेस कॉन्टेक्ट होता था, इसलिए फ्रिक्शन ज्यादा होता था दोनों सरफेस के बीच में, इसलिए पावर लॉस ज्यादा होता है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग में। क्योंकि स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग में एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट होता है, तो इसलिए स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग में पावर लॉस ज्यादा होगा। क्योंकि पावर लॉस का फार्मूला बताए थे पी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू वी, म्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, डब्ल्यू क्या है लोड है, और वी क्या है तुम्हारा वेलोसिटी है। तो पावर लॉस जो होता था वो ज्यादा होगा अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही थी, यानी जो रोटेटिंग एलिमेंट हमारा शाफ्ट है वो बियरिंग के ऊपर स्लाइड कर रहा था, सरफेस कॉन्टेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन अकर करेगा दोनों सरफेस के बीच में वो ज्यादा होगा। और फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या यूज किए थे? लुब्रिकेंट का यूज किए थे। लुब्रिकेंट क्या कर रहा था? लुब्रिकेंट जो फ्रिक्शन को कम कर रहा था, ठीक, फ्रिक्शन जो अकर कर रहा था तो सरफेस के बीच में उसको मिनिमाइज कर रहा था। लुब्रिकेंट का काम होता है कि फ्रिक्शन को कम करना, तो फ्रिक्शन अगर कम होगा तो पावर लॉस कम होगा, ठीक, पावर लॉस कम होगा। दूसरा चीज ये है कि फ्रिक्शन जो है, जो एक्सेस हीट का जनरेशन होता है जब दो सरफेस एक दूसरे सरफेस पर स्लाइड करती है, तो रिलेटिव मोशन के कारण दोनों सरफेस के बीच में हीट का जनरेशन होगा, हीट जनरेट करेंगे। तो हीट जनरेशन जो होगा, अगर एक्सेसिव हीट जनरेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रोटेटिंग एलिमेंट है शाफ्ट और बियरिंग जो है वो डैमेज हो जाएगी, थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होगा अगर हीट का जनरेशन ज्यादा होगा तो। तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट क्या करता है कि जो हीट जनरेट हुई उसको कैरी करके लेके चला जाता है, फेंक देता है, ठीक, एब्जॉर्ब कर लेगा। और दूसरा फंक्शन है कि वियर टीयर जो हो रहा है फ्रिक्शन को कम करेगा, ठीक, तो वियर टीयर फ्रिक्शन कम होगा तो पावर लॉस कम होगा। तो अब हम लोग पढ़ा रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग। रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग को बोला जाता है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, तो इसमें दो टाइप की बियरिंग होती है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीप ग्रूव बियरिंग जो है किस टाइप की बियरिंग है, तो डीप ग्रूव बियरिंग किस टाइप की बियरिंग है? रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है। और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में से भी किस टाइप की बियरिंग है? बॉल बियरिंग टाइप की है, ठीक। इसी तरह पूछेगा सेल्फ लाइन बियरिंग किस टाइप की है, तो बॉल बियरिंग है और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर आती है सेल्फ लाइन बियरिंग। तो अब हम लोग जानेंगे कि डीप ग्रूव बॉल बियरिंग क्या होता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या होता है, सेल्फ लाइनिंग बियरिंग क्या होती है, थ्रस्ट बियरिंग क्या होती है। तो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग क्या होता है, ये इसको मिटा रहा है। जिसमें जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो केवल पढ़ा रहा है, ठीक। तो पहला क्या था? डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। अब ये बियरिंग कैसे बनाते हैं देखो, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग चल रही है,
ये जो फिगर बना है ये डीप ग्रुप बॉल बीयरिंग का फिगर है, ठीक। इसमें क्या है देखो, ये जो सेंटर में है ये रोटेटिंग शाफ्ट है, यानी क्या है, शाफ्ट है, और जो ये लगा ये तुम्हारी बॉल बीयरिंग है, ये जो रोलर है जो तुम्हारी ये बॉल बीयरिंग है। तो ये रोलर देखो, अब ये स्टेप ये डीप ग्रुप बॉल बीयरिंग का फंक्शन क्या होता है, ये तुम्हारी बीयरिंग जो है रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों को कैरी कर सकती है, यानी कि इट कैन टेक रेडियल एज वेल एज एक्सियल लोड। अगर शाफ्ट के ऊपर रेडियल लोड आ रहा, रेडियल लोड का मतलब ये कोई शाफ्ट है, ये कोई शाफ्ट है, ये रेडियल लोड आ रहा है एफ आर, मान लो एफ आर इज को हम एफ आर से डिनोट कर रहे हैं रेडियल लोड को, और एफ ए से डिनोट करेंगे एक्सियल लोड को। एफ ए तुम्हारा एक्सियल लोड है, एफ आर रेडियल लोड है। तो अगर किसी शाफ्ट के ऊपर अगर रेडियल हो और एक्सेल दोनों लोड आ रहा, दोनों लोड को कैरी कर सकता है रोलर हमारा डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, ठीक। तो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग रेडियल और एक्सेल लोड दोनों कैरी कर सकता है, मगर इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा जो है वो तुम्हारा रेडियल लोड को ज्यादा होगा, जो मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा रेडियल लोड को कैरी करने का वो ज्यादा होगा। एफ आर इज ग्रेटर देन एफ ए, दोनों लोड को कैरी कर लेगा हमारा रेडियल रेडियल डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, मतलब जो मगर दोनों में से रेडियल और एक्सेल में से जो मैग्नीट्यूड होगा लोड का वो रेडियल लोड को ज्यादा कैरी करेगा, एक्सेल लोड को कम करेगा। समझाया? दोनों लोड को बियर कर सकता है हमारा रोलिंग डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग, मगर उनमें से भी दोनों लोड में से सबसे ज्यादा जो लोड को कैरी करेगा वो रेडियल लोड को कैरी करेगा, यानी कि स्ट्रॉन्गर इन रेडियल लोड, रेडियल लोड के केस में स्ट्रॉन्गर होगा बेयरिंग। तो अगर एफ आर इज ग्रेटर देन एफ ए है तो एफ आर अपॉन एफ ए क्या होगा, एफ आर अपन एफ ए इज ग्रेटर देन वन। एक तो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग किस टाइप के लोड को कैरी कर सकता है, तो लगाएंगे हम रेडियल एंड एक्सियल लोड, और पूछेगा एफ आर अपन एफ ए का रेशियो क्या होगा, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, तो क्या करेंगे एफ आर अपन एफ ए ग्रेटर देन वन होगा, टिक लगा देंगे, ठीक है, नोट करते चल देना। ये तुम्हारा डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग होगा, ये तुम्हारा क्या रोलर रोलर है और ये तुम्हारा शाफ्ट है, तो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग के बारे में इतना ही पूछेगा। अब हम आ रहे हैं किस पे, सेकंड बेयरिंग थी एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग देखो, एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्सियल लोड को कैरी कर सकता है, एक्सियल लोड, एक्सियल एंड रेडियल दोनों को कैरी करेगा ये भी। एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग जो है एक्सियल और रेडियल दोनों लोड को ये भी कैरी कर सकता है, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग में। हम क्या करते हैं एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग में, जैसे तुम्हारा रोलर है, रोलर के ऊपर ये रिसेस है, ठीक, ग्रुप कट किए हैं हम, तो क्या करते हैं हल्का सा एंगल प्रोवाइड कर देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं जो ग्रुप कट किए हैं उसको से हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, किसी एंगल पर कट करते हैं, ठीक, किसी एंगल पर कट कर देंगे। तो इससे यही होगा, अगर काफी लंबी शाफ्ट है, लेंथ अगर शाफ्ट की ज्यादा है, देख रहे हो इसमें इसमें डिफरेंस नजर आ रहा होगा, इसमें इसमें शेप में एंगल एंगल कॉन्टेक्ट बेयरिंग एंगल प्रोवाइड करते हैं हल्का सा। तो अगर शाफ्ट की लेंथ, अगर किसी शाफ्ट की लेंथ अगर ज्यादा है तो शाफ्ट की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन होगा शाफ्ट में उसके वेट के कारण। जब डिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, ये तुम्हारा रोलर है अपने पोजिशन को आसानी से रिगेन कर सकता है, जैसे हल्का सा रोटेट करेगा बीयरिंग हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो मिस अलाइनमेंट को क्या कर सकता है, ये टॉलरेट कर सकता है, मिस अलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकता है एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब दूसरा आता है जो इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे हम, एक ग्रुप हो गया, एंगुलर हो गया, और क्या बचा, डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग हो गया, एंगुलर कॉन्टेक्ट बेयरिंग, और क्या बचा तू बताओ,
क्या क्रस्ट बियरिंग है और अभी एक और है, टेप ग्रुप बॉल बियरिंग हो गया, रेडियो है, एंगुलर कॉन्टेक्ट बियरिंग हो गया, सेल्फ लाइन बियरिंग बचा है और थ्रस्ट बियरिंग बचा है। ठीक, अब देखो थ्रस्ट बियरिंग याद रखना, थ्रस्ट बियरिंग केवल एक्सियल लोड को कैरी कर सकता है, एक्सियल लोड यानी कि केवल एफसे को, थ्रस्ट बियरिंग जो है केवल एक्सियल लोड को कैरी कर पाएगा, यानी कि एक्सियल लोड हॉरिजॉन्टल लग रहा है शाफ्ट के ऊपर, रेडियल नहीं। थ्रस्ट बियरिंग क्या कैरी कर पाएगा लोड को, एक्सियल लोड को कैरी कर पाएगा। अब आता है सेल्फ लाइन बियरिंग, लास्ट में इंपॉर्टेंट है सेल्फ लाइन बियरिंग। देखो सेल्फ लाइन बियरिंग क्या करेगा, लिख रहा है देखो सेल्फ लाइन बियरिंग है तुम्हारी, ये मिस अलाइनमेंट को टॉलरेट कर पाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर वही शाफ्ट की लेंथ अगर ज्यादा है, ये रोला लगा हुआ है और ये शाफ्ट है, तो अगर किसी शाफ्ट की लेंथ ज्यादा होगी, तो शाफ्ट की लेंथ अगर ज्यादा होगी, लंबी शाफ्ट होगी, तो उस शाफ्ट में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन होगा उसके वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण। जब डिफ्लेक्शन होगा तो शाफ्ट का, जान लो पहले एक्सिस ये थी तुम्हारी, ये तुम्हारी ओरिजिनल एक्सिस थी शाफ्ट की, जब डिफ्लेक्शन होगा तो शाफ्ट जो है इस तरह कुछ आ जाएगा, यानी कि शाफ्ट की एक्सिस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये तुम्हारी न्यू एक्सिस है, ये तुम्हारी क्या पुरानी वाली एक्सिस है, ये ओरिजिनल है और ये क्या एक्चुअल है। ठीक, तो शाफ्ट में कुछ हल्का सा डिफ्लेक्शन हो जाएगी, इस पर टिल्ट हो जाएगी शाफ्ट, किस एंगल पर, अल्फा मान लो एंगल पे टिल्ट हो जाएगी, तो अगर शाफ्ट की लेंथ ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा शाफ्ट पे, तो उस डिफ्लेक्शन को टॉलरेट कर सकता है हमारा सेल्फ लाइन बियरिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सी बियरिंग मिस अलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकती है, तो हम टिक लगाएंगे सेल्फ लाइन बियरिंग, क्योंकि सेल्फ लाइन बियरिंग देख रहे रोलर इस तरह का लगा हुआ है और कुछ इस तरह का कर्वेचर दिए हैं, हम बियरिंग में कर्वेचर इस तरह का दिए हैं, तो अगर इस तरह का डिफ्लेक्शन होगा शाफ्ट में तो जो रोलर है इस तरह रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, देख लो इस तरह कुछ कर्वेचर दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो गया ना यहाँ पे। ठीक, तो सेल्फ लाइन बियरिंग क्या करेगी, मिस लाइन को टॉलरेट कर लेगी, तो यहाँ से हमारा बाल बियरिंग खत्म हो गया। अब आता है रोलर बियरिंग, बाल बियरिंग खत्म हो गया, अब आता है रोलर बियरिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट, रोलर बियरिंग कितने टाइप के बताए थे हम, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, टेपर्ड और नीडल बियरिंग। अब यही चारों इंपॉर्टेंट है। देखो सिलिंड्रिकल बियरिंग हमारी रेडियल लोड को कैरी कर सकती है मगर एक्सियल लोड को कैरी नहीं कर पाएगी, याद ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सिलिंड्रिकल बियरिंग होगा, सिलिंड्रिकल बियरिंग में जो रोलर होगा वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा, जैसे ये तुम्हारा लगाया है रोलर ना, ये तो सिलिंड्रिकल बियरिंग में जो रोलर होगा तुम्हारा वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा, ये मिटा रहा। सिलिंड्रिकल बियरिंग में इस तरह कुछ सिलिंड्रिकल रोलर होगा, ठीक, सिलिंड्रिकल बियरिंग है तुम्हारी, तो सिलिंड्रिकल बियरिंग में क्या हो जाएगा, अगर लोड अप्लाई कर रहे हैं हम तो ये रेडियल लोड को तो कैरी कर लेगा, रेडियल लोड को कैरी कर लेगा, मगर अगर एक्सेल लोड लग रहा है शाफ्ट के ऊपर तो ये एक्सेल लोड को कैरी नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सिलिंड्रिकल बियरिंग जो है किस टाइप की बियरिंग होती है, पहला रोलर बियरिंग होती है, रोलिंग कॉन्टेक्ट बियरिंग का एग्जाम्पल है, और दूसरा किस टाइप के लोड को कैरी कर पाएगा, तो केवल रेडियल लोड को कैरी कर सकता है, ब्रैकेट में लिखेंगे FR, FR मतलब रेडियल लोड को कैरी कर सकता है ये सिलिंड्रिकल बियरिंग।
अब आता है स्फेरिकल बीरिंग। स्फेरिकल बीरिंग बस याद रखना स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है, जैसा यहाँ सिलिंड्रिकल था वो स्फेरिकल होगा। तो स्फेरिकल बीरिंग क्या होती है, ये भी तुम्हारी मिसअलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकती है, यानी कि शाफ्ट में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो डिफ्लेक्शन की वजह से जो चेंज आ रहा है वो उस चेंज को एकोमोडेट कर सकती है। स्फेरिकल बीरिंग यानी कि स्फेरिकल बीरिंग मिसअलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकती है, यानी कि डिफॉर्मेशन होने से प्रिवेंट करेगी, मिसअलाइनमेंट को टॉलरेट कर सकती है। अब आता है टेपर्ड बीरिंग। तो टेपर्ड बीरिंग कुछ इस तरह का बनेगा, ये टेपर्ड शेप में है, टेपर्ड शेप है। तो ये बीरिंग हमारा एक्सियल एंड रेडियल दोनों लोड को कैरी कर सकती है, यानी कि टेपर्ड बीरिंग एक्सियल एंड रेडियल FR एंड FA दोनों लोड को कैरी कर सकती है। टेपर्ड बीरिंग याद रखना, टेपर्ड बीरिंग FR एंड FA दोनों लोड को कैरी कर सकती है। अब आता है लास्ट मिडिल बीरिंग। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिडिल बीरिंग देखेंगे हम लोग। देखो ये तुम्हारा क्या है, शाफ्ट है मान लो, तो निडिल बीरिंग क्या होती है, देखो ये कोई शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर जो तुम्हारा लगा है निडिल बीरिंग, निडिल बीरिंग में सिलिंड्रिकल रोलर लगाए होते हैं, जैसे यहाँ सिलिंड्रिकल बीरिंग थी, सिलिंड्रिकल रोलर लगे थे, तो निडिल बीरिंग में भी तुम्हारे सिलिंड्रिकल रोलर लगे होंगे, मगर जो रोलर की जो डाया होगी वो बहुत कम होगी। तो कोई शाफ्ट है, शाफ्ट के सर्कमफेरेंस में हम क्या लगाएं, बीयरिंग लगाएं, ये निडिल बीरिंग है। और क्योंकि निडिल बीरिंग है और इसकी डाया जो है, देखो रोलर की बहुत स्मॉल है, काफी लार्ज डाया की रोलर नहीं, स्मॉल डाया का रोलर लगा हुआ है, सिलिंड्रिकल रोलर। तो क्या लिखा, इट है सिलिंड्रिकल रोलर हैविंग वेरी स्मॉल डायमीटर। तो निडिल बीरिंग जो होती है वो सिलिंड्रिकल बीरिंग होती है, मगर जो डाया होती है रोलर की वो स्मॉल होती है। अब निडिल बीरिंग को का दूसरा नाम होता है, इसको बोला था क्यूल बीरिंग, QUILL क्यूल बीरिंग, क्यूल QUILL क्यूल बीरिंग, ठीक। और एक चीज याद रखना कि निडिल बीरिंग में जो लेंथ टू डाया रेशियो होता है वो ग्रेटर देन 4 होता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट ही है तुम्हारा। एल मतलब हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ द शाफ्ट, डी मतलब डाया ऑफ द बीरिंग। तो लेंथ टू डाया रेशियो जो होता है ग्रेटर देन 4 होता है, या ग्रेटर देन 1 भी लिख सकते हो, कहीं के ऑप्शन में ग्रेटर देन 1 लिखा रहेगा या 4 लिखा रहेगा। तो निडिल बीरिंग में एल बाई डी का रेशियो ग्रेटर देन 4 होता है। निडिल बीरिंग का दूसरा नाम होता है क्विल बीरिंग, और इसमें सिलिंड्रिकल रोलर लगे होते हैं जिनकी डाया क्या होती है, काफी स्मॉल होती है। अब आता है थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट में आता है ये कि इसमें कोई नो केज इज यूज्ड इन निडिल बीरिंग। इसमें कोई केज का यूज नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किस पूछा जाएगा किस बीरिंग में केज का यूज नहीं करते हैं हम, तो हम लगाएंगे निडिल बीरिंग, नो केज इज यूज इन निडिल बीरिंग। अब केज क्या होता है बताया था कल, केजेज आर यूज टू अवॉइड द क्लस्टरिंग ऑफ रोलिंग एलिमेंट, दैट इज टू मेक द इक्वी डिस्टेंस बिटवीन द रोलिंग एलिमेंट। यानी कि तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, रोलर है, सॉरी शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर हम क्या लगाए, निडिल बीरिंग लगाए, बीरिंग है जो तुम्हारी स्मॉलर डाया की है, ठीक। अब देखो ऑलरेडी क्या, डाया जो है काफी स्मॉल है, जब डाया स्मॉल होगी तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी केज लगाने की, क्योंकि केज का काम होता है इक्वी डिस्टेंस को मेंटेन करना। जब डाया ज्यादा होती है रोलर की, सिलिंड्रिकल रोलर की, तब हम लगाते हैं केज का, ठीक। तो वहां या मगर यहाँ पे क्या है, तुम्हारी डाया जो है काफी स्मॉल है, तो कोई जरूरत ही नहीं है केज लगाने का, क्योंकि केज का फंक्शन होता है इक्वी डिस्टेंस को मेंटेन करना और रोलिंग एलिमेंट की जो क्लस्टरिंग ना हो उसको अवॉइड करने के लिए। जैसे माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली को किसी
सर्किल के सर्कमफेरेंस रख दो तो सेम तुम्हारा नीडल बेयरिंग टाइप मिलेगी, यानी कि माचिस की तीली के रखोगे सर्कमफेरेंस स्विच के, तुमको क्या दिखेगा, एक दूसरे का कॉन्टेक्ट में दिखेगा, माचिस की तीली रहेगी सेम। तो सेम कॉन्सेप्ट नीडल बेयरिंग का है कि डाई इतनी स्मॉल होती है कि एक दूसरे के ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में होती है, हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है केज को प्रोवाइड करने, तो केज नहीं होता है इसमें, नीडल बेयरिंग में नहीं यूज किया जाता है। अब आता है अब देखो नीडल बेयरिंग कहाँ यूज की जाएगी, जहां पे फ्लक्चुएटिंग लोड ज्यादा होगा या ऑसिलेटरी मोशन होगा वहां पे हम लोग नीडल बेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। नीडल बेयरिंग जो है तुम्हारी जहां पे फ्लक्चुएटिंग लोड होगा या ऑसिलेटरी मोशन होगा वहां पे हम लोग नीडल बेयरिंग यूज करते हैं। नीडल बेयरिंग फ्लक्चुएटिंग लोड और ऑसिलेटरी मोशन को कैरी कर सकती है, ठीक फ्लक्चुएटिंग। अब देखो जैसे तुम्हारा नीडल बेयरिंग कहां के यूज की आती है, पिस्टन पिन है वहां यूज की आती है, ठीक वेंटिलेटर है वहां भी यूज की आती है, वेंटिलेटर नीडल लगी होती है और डीजल इंजन में लगी होती है नीडल बेयरिंग, क्योंकि डीजल इंजन में क्या होता है जब कंबशन होता है तो अनकंट्रोल्ड कंबशन होता है, तो अनकंट्रोल्ड कंबशन होगा नीडल बेयरिंग में तो फ्लक्चुएशन या ऑसिलेशन ज्यादा होगा सिलेंडर में, तो इसलिए वहां पे नीडल बेयरिंग यूज किया था डीजल इंजन में। तो जहां एप्लीकेशन क्या है, दो चार एप्लीकेशन है मेन में जहां फ्लक्चुएटिंग लोड तुमको दिख जाए या ऑसिलेटरी मोशन दिख जाए वहां नीडल बेयरिंग यूज करेंगे, ठीक। या तो तुम्हारा डीजल इंजन दिख जाए या वेंटिलेटर दिख जाए या क्या बताएं, दो तीन एप्लीकेशन और याद नहीं आ रहा है, तो वहां हम लोग लगाएंगे टिक नीडल बेयरिंग को। तो इतना जो है चार पॉइंट बता दिए नीडल की बेयरिंग के बारे में, बाकी सब बेयरिंग वायरिंग बस याद रखना है हमको कि कौन सी बेयरिंग किस टाइप की लोड को कैरी कर सकती है, ठीक। हाँ, अब दूसरा चीज आता है कि स्लाइडिंग पहले बीयरिंग थी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बीयरिंग और दूसरा क्या था रोलिंग कॉन्टेक्ट बीयरिंग, यही दो मेन बीयरिंग थी। तो रोलिंग कॉन्टेक्ट बीयरिंग का दूसरा नाम क्या था, एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग, यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है कम होता है, फ्रिक्शन कम होगा तो पावर लॉस क्या होगा इसमें कम होगा, तो पावर लॉस क्या होगा रोलिंग कॉन्टेक्ट बीयरिंग में कम होता है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बीयरिंग में पावर लॉस क्या होगा ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसमें मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होता है, तो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि पावर लॉस का फार्मूला होगा टार्क इंटू ओमेगा, और टार्क इंटू ओमेगा करोगे टार्क फ्रिक्शनल टार्क का फार्मूला होता है म्यू डब्ल्यू इंटू आर, तो पावर लॉस ज्यादा होगा। तो डिफरेंस पूछ लिया जाएगा कि स्लाइडिंग में और रोलिंग में किसमें पावर लॉस ज्यादा होता है, तो स्लाइडिंग में ज्यादा होगा। और रोलिंग कॉन्टेक्ट बीयरिंग का दूसरा नाम क्या, एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग है। अब देखो रोलिंग कॉन्टेक्ट बीयरिंग जो है हाई स्पीड पर रन नहीं कर सकती है, यानी कि हाई स्पीड पे नहीं रन कर सकती, ये लो स्पीड पे रन करती है, जहां पे शाफ्ट की स्पीड कम होती है वहां पे हम लोग रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग का यूज करेंगे, और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग कहां यूज करेंगे हाई स्पीड जहां होगी, ठीक। अब रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग हाई स्पीड पे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हाई स्पीड पे रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग यूज करोगे तो वहां फटिक फेलियर एक होता है, एक सिनामिना अकर करता है फटिक फेलियर का, तुम्हारी बेयरिंग क्या हो जाएगी ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी, डिफॉर्मेशन हो जाएगा फटिक फेलियर के कारण, फ्लक्चुएटिंग लोड आ जाता है वहां पे, इसलिए हमारा रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग हाई स्पीड पे नहीं रन कर सकती है, लो स्पीड पर रन करेगी, और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग हाई स्पीड पर रन कर सकती है। अब स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग का भी दो चार नेम होता है, याद कर लेना, हो सकता है पूछ ले। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग को का दूसरा नाम होता है जर्नल बेयरिंग, जर्नल बेयरिंग, ठीक। अब एक और नाम होता है और स्लिप बेयरिंग, एक और नाम होता है दूसरा प्लेन बेयरिंग। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग का नाम है जर्नल बेयरिंग, स्लिप बेयरिंग या प्लेन बेयरिंग, और रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग का एग्जांपल क्या का नाम दूसरा क्या, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। अब देखो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग का एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग का, दो चार मेजर एप्लीकेशन याद कर लेना, आईसी इंजन क्रैंकशाफ्ट, लार्ज साइज इलेक्ट्रिक मोटर, लार्ज साइज इलेक्ट्रिक मोटर, सेंट्रीफ्यूगल पंप,
सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्टीम एंड गैस टरबाइन, आइस इंजन एंड क्रैंकशाफ्ट हो गया, लार्ज साइज इलेक्ट्रिक मोटर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्टीम एंड गैस टरबाइन, और एक क्या क्या है, कंक्रीट मिक्सचर, कंक्रीट मिक्सचर। ठीक, तो याद रखना है पहला क्या लिखे हैं, कंक्रीट मिक्सचर, दूसरा आइस इंजन क्रैंकशाफ्ट, तीसरा लार्ज साइज इलेक्ट्रिक मोटर, फोर्थ पॉइंट तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल पंप, फिफ्थ है तुम्हारा स्टीम एंड गैस टरबाइन। तो यहाँ तुम्हारा मेजर एप्लीकेशन है तुम्हारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग यूज किया जाती है। और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग कहाँ यूज किया जाती है, बाल मिल हो गया, स्मॉल साइज इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, मशीन टूल हो गया, ठीक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, वहाँ यूज किया जाती है रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। ठीक है, तो इतना ही चीज पूछेगा हम लोग के सिलेबस में है, ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है किसको, जिसको ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है।